नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अल्लाह मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ और मैं तुझ पर ईमान लाया और मैंने तुझ पर भरोसा किया और मैंने तेरी तरफ रुजू किया और तेरी ही तरफ अपना मामला पेश करता हूँ। ए अल्लाह मैं तेरे गलबे के साथ पनाह चाहता हूँ, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तू मुझे गुमराह करे, तू जिंदा रहेगा मरेगा या नहीं और जिन वो इंसान सब मर जाएंगे। हदीस मुबारक बुखारी व मुस्लिम। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जमीतुल हुफाज की जानिब से महाना राशन पैकेजेस की इजराई। मौलाना अब्दुल कय्यूम शाकिर ने बताया कि गुज़िश्ता 3 सालों से हर माह मुस्तहिक खानदानों की मदद की जा रही है और ये खामोश खिदमत है। टीआरएस कायद नवीद इकबाल, शेख अली साबरी और जावेद खान ने के कविता को दूसरी मर्तबा MLC मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और कहा कि बिला मुकाबला इंतखाब के कविता की शख्सी मकबूलियत का कमाल है। MLC के कविता का दर्शन को जाने के मौके पर मोरता में वालहाना खैर मकदम। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत से अवाम खुश और मुतमाइन है और रियासत हमा जहद तरक्की के सिमत गामजन है। हैदराबाद में एक और दुल्हन चढ़ी जहेज की भेंट। सिर्फ 27 दिन कबल ही इस लड़की की शादी हुई थी, फांसी से इसकी मौत हुई। लड़की की वालदा ने शौहर और देवर को कातिल बताया। अब पढ़ते हैं खबरों की तफसील की जारी। तेलंगाना जमीतुल हुफाज में हर माह की तरह इस माह भी 15 मुस्तहिक खानदानों में महाना राशन किट्स की तकसीम। मौलाना अब्दुल कय्यूम शाकिर ने कहा कि हुफाज की यह खिदमत काबिले सताइश है, गरीब खानदानों की खामोश मदद की जा रही है। जमीतुल हुफाज का एक अहम इजलास मौलाना अब्दुल कय्यूम शाकिर खासमी इमाम व खतीब मस्जिद इस्लामिया व जनरल सेक्रेटरी जमीतुल उलमा निजामाबाद की सदारत में मुनाकिद हुआ, जिसमें जमीतुल हुफाज की जानिब से हर माह तकसीम किए जाने वाले राशन पैकेजेस की इजराई अमल में आई। इस मौके पर मौलाना अब्दुल कय्यूम शाकिर ने बताया कि गुज़िश्ता 3 सालों से जमीतुल हुफाज की जानिब से हर माह मखसूस मुस्तहिक नादार खानदानों में माहाना भर चलने वाले राशन पैकेजेस की तकसीम पाबंदी के साथ अमल में लाई जाती है। तेलंगाना जमीतुल हुफाज इस इमदाद की बंद मुट्ठी तकसीम अमल में लाती है और इस्तेफादा कुनिंदगान के नाम मख्फी रखे जाते हैं ताकि इन खानदानों की दिल आजारी न हो। मौलाना अब्दुल कय्यूम शाकिर ने जमीतुल हुफाज की शानदार कारकर्दगी की जबरदस्त सताइश की और कहा कि दीनी भाइयों की ये खामोश खिदमत काबिल सताइश है। इस राशन पैकेज में चावल, तेल, आटा और दीगर अशिया कुर्द व नोश शामिल रहते हैं। इस मौके पर सदर जमीयतुल उलमा मौलाना समीउल्ला ने इस काम को कामयाबी से जारी रखने की तौफीक देने अल्लाह सुबहानहु ताला से रिक्कत अंगेज दुआ की। इस इजलास में ब्लैक सदर कांग्रेस अबूद बिन हमदान और यूथ लीडर मुजाहिद खान ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। हाफिज आमिर के शुक्रिया के साथ इजलास का इख्तिताम हुआ। अहम शुरका में मुफ्ती शेख जाबिर, हाफिज जाकिर, हाफिज अनीस और दीगर शामिल थे, जबकि इस प्रोग्राम के मुहर्रिक व निगरान सदर जिला तेलंगाना जमीयतुल हुफाज हाफिज वाजिद नवाज ने तमाम माविनीन से इजहार तशक्कुर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ तेलंगाना जमीयतुल हुफाज वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम माहाना राशन तकसीम का प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, जिसमें जनाब मुजाहिद खान साहब और अबूद हमदान साहब बहैसियत मेहमान हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस खिदमत को, इस काम को मज़ीद बेहतर से बेहतर अंदाज में तेलंगाना जमीयतुल हुफाज वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारान से इसको लेते रहे। ख़ास बात इस तौर पर इस मौके पर ये जिक्र करना चाहूँगा कि गुज़िश्ता लॉकडाउन से यानी कि गुज़िश्ता 3 साल से जब से तंजीम कायम हुई है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल पाबंदी के साथ हर महीना ऐसे लोग जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है ऐसे घरों तक खुद पहुंचकर पूरी राजदारी के साथ ये सामान माहाना पहुंचाया जाता है। माशाल्लाह तेलंगाना जमीयतुल हुफाज वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। लॉकडाउन के जब से लॉकडाउन शुरू हुआ जब से हर महीना 20-25-30 लोगों को जो मुस्तहिक है, गरीब गुरबा है, बेवा यतीम मसीर लोग हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया गया है।
उसके सदर हमारे हाफिज वाजी साहब, सेक्रेटरी वसीम साहब और हमारे समी उल्ला साहब और पूरे दीगर लोगों की बहुत कोशिश है, उसकी वजह से ये काम हो रहा है। इंशाल्लाह तमाम लोगों से गुजारिश है, इन लोगों के साथ काम कीजिए और आगे बढ़ के ये काम में हिस्सा लीजिए। दूसरी मरतबा एमएलसी मुंतखब होने वाली एमएलसी के कविता का मोर्दा में टीआरएस कारकुनों की जानिब से वालेहाना खैर मकदम। कविता ने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने बेशुमार तरक्याती कामों और फलाही स्कीमों से अवाम का दिल जीत लिया है। कुंडा गट्टू को दर्शन के लिए जाने वाली नौ मुंतखब एमएलसी के कविता का मोरतार में टीआरएस कारकुनों की जानिब से वालेहाना खैर मकदम किया गया और इनको दोबारा एमएलसी के लिए बिला मुकाबला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर एमएलसी के कविता ने कहा कि वजीर आला के एसीआर की क़ियादत में रियासत तेलंगाना हमाजहत तरक्की के सिम गामजन है। उसी तरह ज़िला निज़ामबाद भी रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी और तमाम अराकीन असम्बली की ज़बरदस्त जद्दोजहद की वजह से बेशुमार तामीरी व तरक्याती काम अंजाम पा रहे हैं। एमएलसी के कविता ने कहा कि टीआरएस हुकूमत को हमेशा ही तरक्की के नाम से याद रखा जाएगा क्योंकि रियासत तेलंगाना में इतनी बड़ी तादाद पर कभी भी तरक्याती काम अंजाम नहीं पाए थे। उसी तरह अवामी फलाह व बहबूद के लिए भी रियासती हुकूमत ने कई फलाही स्कीमात को रूबे अमल लाया है जिससे रियासत की अवाम खुश और मुतमईन है और आइंदा इंतखाबात में भी अवाम की मुकम्मल ताईद व हिमायत टीआरएस को हासिल रहेगी। ग्राम ग्रामाना प्रजलक कनिपिंचे विधंगा टीआरएस पार्टी आध्वर्यंलो गौरव मुख्यमंत्री केसीआर गारी नायकत्वंलो इक्कड़ स्थानिक शासन सभ्युलैनटुवंटि प्रशांत रेड्डी गारी आध्वर्यंलो పెద్ద ఎత్తున మూర్తడంతా కూడా అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉన్నది. ఈ అభివృద్ధిని ఇంకా పెద్ద ఎత్తున పరుగులెత్తించే విధంగా అనేక కార్యక్రమాలు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం చేపడుతూ ఉన్నది. సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఏ ఒక్కరు కూడా పేదరికం బాటపడతదని, తెలంగాణ సమాజంలో శాంతి నెలకొలాలని, ఏ లక్ష్యంతో అయితే తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించామో అవన్నీ కూడా జరిగేటట్టుగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. మూర్తాడు ప్రజలు నిరంతరం ఇప్పుడు కాదు మొదటి నుంచి కూడా ఉద్యమానికి కేసీఆర్ గారికి అండగా నిలిచినటువంటి ప్రజానికం వారి రుణం తీర్చుకోవడానికి తప్పకుండా మూర్తాడు మండలంలో ఉన్న ప్రతి గ్రామంలో కూడా పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాలు చేపడతాం. ఎమ్మెల్సీ కవిత కీ దూసరి మర్తబా బిలా ముఖాబలా జీత్ ఉన్కీ షఖ్సియత్ కా కమాల్ ఉన్కీ బేమిసాల్ కామ్యాబీ కా హమ్ ఖైర్ మక్దమ్ కర్తే హై. नवीद इकबाल व दीगर टीआरएस खायदीन का बयान, उन खायदीन ने गुलदस्ता पेश करते हुए कविता को मुबारकबाद पेश की। हरदिल अजीज नौ मुंतखब पर निज़ामाबाद एमएलसी के कविता की मजालिस मुकामी इदाराजात पर मुश्तमिल निज़ामाबाद एमएलसी इंतखाबात में बिला मुकाबला मुंतखब होने और निज़ामाबाद जिला कलेक्टर व इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर मिस्टर नारायण रेड्डी से सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद सदर जिला अकलियती सेल टीआरएस निज़ामाबाद नवीद इकबाल, नौजवान हरकियाती लीडर टीआरएस रशीद खान जावेद और शेख अली साबरी ने एमएलसी के कविता से मुलाकात की और गुलदस्ता पेश करते हुए दिली मुबारकबाद दी और कहा कि के कविता तेलंगाना रियासती काबिना में अहम कलमदान के साथ विजरात में शामिल होंगी और नेक तौखात का इजहार किया। टीआरएस कायदीन नवीद इकबाल, रशीद खान जावेद, शेख अली साबरी ने एमएलसी के कविता की एमएलसी इंतखाबात में बिला मुकाबला दोबारा इंतखाब को उनकी बेमिसाल शख्सियत और हरकियाती क़ियादत के साथ साथ निज़ामाबाद ज़िले की तरक्की और अवामी मसाइल के हल के लिए अहद का पाबंद होना अहम अंसर रहा है। इन कायदीन ने के कविता की क़ियादत को भरपूर खराज तहसीन पेश करते हुए कहा के कविता मकबूल अवामी शख्सियत है, अवाम के मसाइल के हल के लिए हमेशा दिलचस्पी लेती रहती है। के कविता की बहसियत निज़ामाबाद एमएलसी का दोबारा मुंतखब होना निज़ामाबाद जिले के लिए किसी एजाज से कम नहीं है। अगले छह सालों में निज़ामाबाद जिला मुख्तलिफ शोबों में बेमिसाल तरक्की करेगा। के कविता जैसी मुखलिस व हरकियाती क़ियादत की हामिल शख्सियत का दोबारा एमएलसी मुंतखब होने से निज़ामाबाद जिले की तारीख में नए बाब का आगाज होगा जो निज़ामाबाद जिले व निज़ामाबाद की अवाम के लिए खुश आइंद बात होगी। वैसे में रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस का मुश्तरका फ्लैग मार्च, इस मार्च की निगरानी एडिशनल एसपी भैसा किरण खेरे आईपीएस ने की। उन्होंने कहा कि अवाम में पुर एतमाद फिजा को बहाल करने इस मार्च का एहतमाम किया गया है। भैसा शहर को हमेशा ही फिरका वाराना तौर पर इंतहाई हसास इलाका माना जाता है। हर आए दिन किसी न किसी मसले को लेकर यहाँ तनाव का माहौल बन जाता है। हाल ही में भैसा में अमन व अमान को यकीनी बनाने और पुलिस की कारकर्दगी को मुअसर बनाने के लिए एडिशनल एसपी किरण खेरे को मुतय्यन किया गया और जब से किरण खेरे ने एडिशनल एसपी की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा लिया है उस वक्त से वो भैसा को पुरअमन रखने के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं
عوام میں اعتماد بحال کرنے اور فرقہ پرست شر پسند طاقتوں کو انتباہ دینے کی غرض سے آج شہر میں پولیس کا فلیگ مارچ کیا گیا۔ اس فلیگ مارچ میں پولیس کے علاوہ ریپڈ ایکشن فورس نے بھی حصہ لیا۔ فلیگ مارچ کا آغاز سب ڈویژنل آفس بھینسے سے ہوا، جو بھینسے کے حساس مقامات کپڑا مارکیٹ، مولانا ابوالکلام آزاد چوک، ٹیپو سلطان چوک اور بس اسٹینڈ کے علاقوں کا احاطہ کرتے ہوئے واپس پولیس سب ڈویژنل آفس پر اختتام پذیر ہوا۔ ایڈیشنل ایس پی کرن کھرے آئی پی ایس نے بتایا کہ عوام کے خوف و خدشات کو ختم کرنے اور پر اعتماد فضا کو بحال کرنے کے لیے اس فلیگ مارچ کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں کئی پولیس ملازمین اور ریپڈ ایکشن فورس کے جوانوں نے حصہ لیا، جس میں خاتون پولیس ملازمین بھی شریک تھی۔ آج بھینسہ ٹاؤن پولیس اسٹیشن لمٹ میں انڈر دا لیڈرشپ آف آر اے ریپڈ ایکشن فورس سی آئی ایف شیشل ریڈی اور ساتھ میں بھینسہ ٹاؤن انسپکٹر پروین کمار کے انڈر لیڈرشپ میں یہاں پہ آج فلیگ مارچ آرگنائز کیا گیا۔ اس فلیگ مارچ میں ٹوٹل پولیس کی طرف سے ٹوٹل 140 پولیس پرسنل اور ساتھ میں آفیسر یہاں پہ پارٹیسپیٹ ہوئے۔ اس فلیگ مارچ کا جو پرپز تھا، یہ ریپڈ ایکشن فورس جو ایک اسپیشلائز رائڈ کنٹرول ٹیم ہے، پورے تلنگانہ میں اور پورے انڈیا میں یہاں پہ کام چلتا ہے، اسی کے اندر کمیونل جو سینسیٹیو ایریاز ہے وہاں پہ آ کے اس کا وزٹنگ تھا۔ اسی کے اندر ریپڈ ایکشن فورس کے آفیسرس سبھی لوگ یہاں پہ آ کے ایک سرپرائز فلیگ مارچ یہاں پہ ارینج کیا گیا۔ اس کے اندر مارننگ میں بھی بدھل پولیس اسٹیشن لمٹ میں وہاں پہ فلیگ مارچ ارینج کیا گیا تھا۔ ابھی بھینسہ ٹاؤن پولیس اسٹیشن لمٹ میں جو مارکیٹ ایریا ہے وہاں پہ فلیگ مارچ ارینج کیا جا رہا ہے۔ اس کا جو پرپز ہے ریپڈ ایکشن فورس کا، جتنے بھی بھینسہ ٹاؤن پولیس اسٹیشن لمٹ میں جو بھی کمیونلی سینسیٹیو ایریاز ہے، جیسے کہ پنجیشن واکس، اس کے بعد میں باقی جو ہندو مسلم مکس ایریا ہے وہاں پہ ان کا طرف سے وزٹ دیا جائے گا۔ مکال میں مسلح افراد میں سی ایم ریلیف فنڈ کے چیکوں کی تقسیم، 6 مزاجات سے تعلق رکھنے والے 19 افراد کو طبی امداد حوالے کی گئی۔ بھومیشور ریڈی نے کہا کہ ریاستی وزیر وملا پرشانت ریڈی نے عوام کی فلاح و بہبود میں خصوصی دلچسپی لی ہے۔ مبکال منڈل کے ٹی آر ایس آفس میں مستقین میں سی ایم ریلیف فنڈ کے چیکس کی تقسیم کے لیے پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس پروگرام میں منڈل کے صدر ایم بھومیشور ریڈی نے 6 معزز سے تعلق رکھنے والے 19 مستحق افراد میں چیکس تقسیم کیے۔ بعد ازاں بھومیشور ریڈی نے بتایا کہ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے سی آر کی جانب سے تمام مستقین میں علاج و معالجے کے لیے امداد فراہم کی جا رہی ہے، اور کہا کہ غریب و مستقین کے لیے حکومت کی جانب سے بے شمار اسکیمات کو روبے عمل لایا گیا ہے، جس سے کئی غربا استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ بعد ازاں اس پروگرام میں بھوپیشور ریڈی نے ریاستی وزیر اعلیٰ کے سی آر اور ریاستی وزیر وملا پرشانت ریڈی سے اظہار تشکر کیا۔ اس پروگرام میں ایم پی پی ایس پدما وینکٹ ریڈی، زیڈ پی ٹی سی نرسوا، ٹاؤن صدر پی گنگا دھر و دیگر ٹی آر ایس قائدین و کارکنان موجود تھے۔ వివిధ కారణాల వల్ల ఆసుపత్రి పాలైన వారికి మరి మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు, మంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు చొరవతో మరి ఈరోజు దాదాపు ఒక 30 చెక్ల వరకు రావడం జరిగింది। మరి మంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు చొరవతో ప్రతినిత్యం ఎవరికి ఏ ఆపద వచ్చినా నేనున్నానంటూ మరి ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు ప్రతి ఒక్క బాధితుడికి మరి ఈరోజు ఆర్థిక సహాయం కింద సీఎంఆర్ఎఫ్ కింద మరి వారికి డబ్బులు మంజూరు చేయడం జరుగుతోంది। నెహ్రూ యూత్ నిజామాబాద్ కి జానిబ్ సే యోమె దస్తూర్ కా ఎహ్తిమామ్, ఇస్ మౌఖే పర్ తల్బా కే లియే క్విజ్ ప్రోగ్రామ్ కా ఎహ్తిమామ్ కియా గయా। ఇనామీ తక్రీబ్ మే విశ్వ శాంతి కాలేజ్ కి ప్రిన్సిపల్ నే కహా కే దస్తూర్ నే హమే హుకూక్ వ ఇన్సాఫ్ ఫరాహమ్ కియా హై। قومی یوم دستور کے موقع پر نہرو یوتھ نظام آباد کے زیر اہتمام شہر کے وشو شانتی ڈگری کالج میں آئین سے متعلق میداری سیمینار اور آئینی موضوعات پر کوئز مقابلوں کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ پروگرام کے افتتاح کے موقع پر کالج کے پرنسپل ویدا شری نے کہا کہ طلبہ کو اپنے آئینی حقوق اور فرائض کی مکمل معلومات ہونی چاہیے تاکہ وہ آئینی اقدار کو آنے والی نسلوں تک پہنچا سکے، اور کہا کہ دستور کے تحفظ کی ذمہ داری ہر ایک کی ہے، اس کے لیے سب مل کر کام کریں، اور کہا کہ بابا صاحب امبیڈکر کے دستور کی وجہ سے ہی آج ملک میں تمام طبقات کو یکساں حقوق ادا کیے گئے ہیں، اور ملک کا دستور سیکولر ہے اور یہاں پر ہر طبقے کو آزادی کے ساتھ رہنے کے حقوق حاصل ہے۔ بعد ازاں کوئز مقابلوں میں جیتنے والے طلباء کو انعامات تقسیم کیے گئے۔ اس پروگرام میں ریشما، چندرت، سری لتا، وشو شانتی، اساتذہ و دیگر موجود تھے۔ مرکزی اور ریاستی حکومتیں کسانوں کے ساتھ دوہرا سلوک کر رہی ہے۔
बुलंद बांग किसान फलाओ बहबूद के नारों के बरक्स किसानों की बर्बादी के इकदाम किए जा रहे, हुकूमतें अपने रवैये में तब्दीली लाए। तेलंगाना रियासती और मरकजी हुकूमतें गुज़श्ता कई अरसे से अवाम के हुकूक को अपनी हठधर्मी और अनानियत के जरिए दबाने का काम कर रही है, तो दूसरी जानिब अनदाता कहे जाने वाले गरीब किसानों के खिलाफ अपनी पॉलिसियों को जारी रखे हुए हैं। डिशपली मंडल में कांग्रेस पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ ने अपने खिताब में कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें किसानों के साथ सौतेला सलूक कर रही है। नरेंद्र मोदी सिर्फ बैरूनी ममालिक के दौरों में मसरूफ रहते हैं, उन्हें मुल्क के अवाम व किसानों की कोई फिक्र नहीं है। वह सिर्फ कॉरपोरेट इदारों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ही स्कीमात को रूबे अमल ला रही हैं। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी सिर्फ बुलंद बांग इंतखाबी वादों तक ही महदूद होकर रह गए हैं और अवाम और किसानों को बेरोजगारी और महंगाई के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से रियासत में कितने ही नौजवान और किसानों ने अपनी जानों को गंवाया है। महेश कुमार गौड़ ने किसानों को उनकी फसल और अनाज की सही कीमत अदा करने रियासती व मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने सीएम केसीआर पर जोर देते हुए कहा कि जो हुकूमत अवाम और किसानों के मसाइल हल नहीं कर सकती, उस हुकूमत और चीफ मिनिस्टर को फौरी अखलाकी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि किसानों और अवाम के मसाइल हल करे, बसूरत दीगर कांग्रेस पार्टी बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़म करेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिजिटल मंडल कांग्रेस पार्टी सदर पीसी निवास, निजामाबाद रूरल कांग्रेस पार्टी इंचार्ज साबिका एमएलसी डॉक्टर भूपति रेड्डी व दीगर कांग्रेसी खायदीन मौजूद थे। मीद स्टेटमेंट केसर वारेस्ते ऊरे दर समर्थించిన వెంకటరామ్ రెడ్డి ముఖ్యంగా రైతుల విషయంలో రైతాంగానికి బాసటగా ఈ మనం సంవత్సరం నుంచి పోరాటం చేస్తా ఉన్నాం, ముఖ్యంగా రాష్ట్ర రైతుల పట్ల ఈ నెల మాసంగా నేను పోరాటం చేస్తా ఉన్నాం। రేపు కూడా రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్ లోని ఇందిరా పార్క్ వద్ద 48 గంటల దీక్ష, 2 రోజుల దీక్ష రేపు ఉదయం 10 గంటల నుంచి 28 సాయంత్రం వరకు 48 గంటల దీక్ష ఉంటది। ఏమీ లేదు, సో ఈ విధంగా రైతుల మోసం చేస్తా ఉన్నారు కాబట్టి తెలంగాణ రైతం గమనించాలా, మీ పక్షాన పోరాటం చేసే పార్టీ ఓవికాక పార్టీ అది కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఇంతకుముందు రుణమాఫీ చేసాము, విద్యుత్ కరెంటు బిల్లు మాఫీ చేసాము, మళ్ళీ ఫ్రీ కరెంట్ ఇచ్చినాము రైతులకు, సో ఏదైనా ఇప్పుడు ఈవెన్ ఈ మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ కూడా మేము అది 700 నుండి 1400 దాకా తీసుకొచ్చింది కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్. ఈ రైతుల దగ్గర వడ్లు కొనే సిస్టమ్ కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రారంభించింది, ఇవాళ దాన్ని కూడా ఫెయిల్ చేసి మొత్తం వ్యవస్థ నీకు చేసే పరిస్థితి ఉంది। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है, फ्लावर हॉस्पिटल नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल बोधन रोड निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन लैब, फार्मेसी, एक्सरे दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वसीति भी आला से ले आरस्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखें, फ्लावर हॉस्पिटल नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल बोधन रोड निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब पैदा करें फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। बाहर निकलने में अगर आपको मुश्किलात, सामान का हसूल मुश्किल बना हुआ है तो फिर फिकर नहीं, MG मार्ट मौजूद है जो आपकी मुश्किलात को हल करेगा। आपकी पसंदीदा तमाम अशिया ऑर्डर पर आपके मकान तक पहुंच जाएंगे। ताज़ा फल और तरकारियों के अलावा दीगर अशिया एतमाद के साथ सरबराह की जाती है। मर्दों, ख्वातीन और बच्चों की जरूरत का हर सामान हमारे पास दस्तियाब रहेगा। आपके ऑनलाइन ऑर्डर करते ही महज चंद घंटों में आपका ऑर्डर आपके मकान को पहुंच जाएगा। तो फिर सोचना क्या है, उठाइए फोन और बुक कीजिए ऑनलाइन ऑर्डर। हम हमेशा खिदमत के लिए तैयार है। MG मार्ट .com।
नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100ml, 200ml और 500ml की बोतलों में दस्तियाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तियाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अख्त मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है। मुल्क के दस्तूर के तकमील के दिन एक खुसूसी प्रोग्राम, बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर स्कूल के जिम्मेदारान ने कहा कि अब दस्तूर का तहफ्फुज मुल्क के शहरियों की जिम्मेदारी है। हिंदुस्तान का आइन जो डॉक्टर बीआर अंबेडकर की क़ियादत में तैयार किया गया था, उसी ज़िमन में भारत के योम आइन के मौके पर मेंडोरा मंडल के भार्गवी स्कूल में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में असातिज़ा ने बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाकर उन्हें ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। बाद अज़ा स्कूल करस्पॉन्डेंट एल राजेंद्र और प्रिंसिपल ने कहा कि आज सियासी मफादात के लिए जमहूरियत का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें शहरी हकूक की पामाली की जा रही है, जिसको तमाम हिंदुस्तानी अवाम की जानिब से रोकने पर जोर दिया। इस प्रोग्राम में असातिज़ा साईराम, सुशील कुमार, राघु किरण, गंगामणि व दीगर मौजूद थे। वेलपुर मंडल के मौजा लखुरा में पुलिस का शौर्य बेदारी प्रोग्राम। एसआई वेलपुर राजभरत रेड्डी ने कहा कि नौजवानों में जरायम का अंसुर बढ़ता जा रहा है, उसकी रोकथाम हम सब की जिम्मेदारी है। निजामाबाद जिला वेलपुर मंडल मौजा लखुरा में समाज दुश्मन सरगर्मियों को रोकने के लिए और नौजवानों में शौर बेदार करने के लिए मंडल एसआई राजभरत रेड्डी की जानिब से एक प्रोग्राम अमल में लाया गया। इस मौके पर एसआई राजभरत रेड्डी ने कहा कि लकुरा बाईपास पर गैर कानूनी सरगर्मियों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। असमत रेजी, मंशियात, चोरी, साइबर क्राइम, खास तौर पर नौजवानों में चरस, गांजा और भांग की खरीद व फरोख्त व इस्तेमाल ज्यादा हो चुका है। इन केसों में ज्यादातर नौजवान मुलविस है। इन मंशियात और गलत आदतों से नौजवानों की जिंदगियों को खतरा हो सकता है और उनका मुस्तकबिल बर्बाद हो सकता है। हम सब की जिम्मेदारी है कि इस तरह की समाज दुश्मन सरगर्मियों का इर्तिकाब गांव में ना हो, ऐसी सरगर्मियों को रोकने में हमारा ताउन करें। दस्तूर के मसूदे की तकमील का दिन, भीमगल में बाबा दस्तूर अम्बेडकर को खराज अकीदत पेश किया गया। चेयरमैन भीमगल बलिया ने कहा कि इस दस्तूर के तहत तमाम तबकात को एक सा हुकूक व इंसाफ फराहम किया गया है। मुल्क के आईने दस्तूर हिंद तासीस के मौके पर भीमगल में महकमा बलिया की जानिब से योम दस्तूर का इनेकाद अमल में लाया गया। म्यूनसिपल चेयरपर्सन राजश्री लक्ष्मण ने भीमगल चौराहे पर अम्बेडकर के मुजस्मे पर फूल मालाएं चढ़ाकर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। बाद अज़ा उन्होंने अपने बयान में कहा कि दस्तूर के तहफ्फुज की जिम्मेदारी हम सब पर आयद होती है, इसके लिए सब मिलकर काम करें। 26 नवंबर 1950 को आज ही के दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने उस वक्त सदर जमहूरिया को दस्तूर हवाले किया था और 26 जनवरी से दस्तूर पर अमल आवारी की जा रही है। दस्तूर में जो सहूलतें हासिल है उसकी वजह से ही हमें हर चीज़ आसानी के साथ हासिल हो रही है और कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर की खिदमात का हर शख्स को एतराफ़ करना चाहिए। हिंदुस्तान एक वसी तर मुल्क है और यहाँ कई मजाहब और कई जुबानें बोली जाती है और हर एक का कल्चर अलग है, इसके बावजूद भी आपस में भाईचारगी बनी हुई है। अम्बेडकर की दूर अंदेशी की वजह से ही ये काम हो रहे हैं। आज भी मुल्क में तमाम तबकात को एक सा हकूक अदा किए गए और मुल्क का दस्तूर सेकुलर है। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल कमिश्नर जी गंगाधर, वाइस चेयरमैन भगत, काउंसलर व दीगर मौजूद थे। किसान दुश्मन तीन काले खवानीन की फौरी मनसूखी अमल में लाई जाए और किसानों के दीगर मसाइल को भी हल किया जाए, AIKCC कायदीन का मरकजी हुकूमत से मुतालबा। उन्होंने बिजली तरमीमी बिल की भी मंसूखी और फसलों को मुनासिब मुआवजा देने का भी मुतालबा किया। AIKCC डिस्ट्रिक्ट कमेटी की जानिब से मरकजी हुकूमत किसान मुखालिफ कवानीन को वापस लेने का मुतालबा लेकर जिला कलेक्टर ऑफिस के रूबरू एक एहतजाजी धरना मुनज्जम किया। इस मौके पर AIKCC जिला कमेटी के कायदीन कंजरा भूमैया, पेद्दी वेंकट रामलू और देवराम ने कहा कि
AIKCC गुज़िश्ता एक साल से हिंदुस्तानी ज़रई शोबे को बचाने के लिए ज़रई तहरीक में हिस्सा ले रही है। उन्होंने किसान मुखालिफ 3 क़वानीन को मनसूख करने के साथ साथ बिजली तरमीमी बिल को मनसूख करने और किसानों की उगाई गई फसलों की इमदादी रकम देने का मुतालबा किया और तहरीक में शहीद होने वाले किसान खानदानों को एक्सक्रेशिया के साथ सरकारी मुलाजिमत फ्राहम करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में आकुला पापैया, भास्कर, रामाकृष्ण, गंगाधर, राजना व दिगर मौजूद थे। राज्यांगानिकि लोबडि एन्निकैन मोडी प्रभुत्वं देशानिकि इरुसलांटि व्यवसाय रंगानि निर्वीर्यं चेयडं कोसं 3 रैतांग व्यतिरेक चट्टालनु तीसुकोच्चिंदि। दीनिनि व्यतिरेकिस्तू रैतांगं ఈ రోజు నుంచి 2020 నవంబర్ 26 నుంచి శాంతియుత ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించింది। అది చివరికి ఎవరైతే నల్ల చట్టాలు తీసుకొచ్చారో వాళ్ళ మెడలు వంచేంత వరకు ఈ పోరాటం కొనసాగింది। గత పాలకులు వ్యవహరించిన తీరుని, గతంలో జరిగినటువంటి పోరాటాల స్ఫూర్తితోటి కూడా ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపు పొందిన పోరాటం చేశారు। సంవత్సరం గడిచిన కేంద్ర ప్రభుత్వము రైతుల పట్ల ఇంకా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్న పరిస్థితి। రైతాంగ ఉద్యమం సంవత్సరం పొడువుగా అనేక కష్టనష్టాల కొర్చి ఆనకు ఎండకు సలికి 770 మంది అమరులైన వాళ్ళ అమరత్వంతో మరి ఈ 3 నల్ల చట్టాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం వెనక తీసుకోవడము, ఢిల్లీ సరిహద్దుల్లో రైతుల ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించి నేటికి సంవత్సరం పూర్తవుతుంది। ముఖ్యంగా ఈ సమరశీల పోరాటంలో దాదాపు 750 మంది రైతులు అమరులైన విషయం దేశ ప్రజలందరికీ తెలుసు। అలాంటి అమరులైన కుటుంబాలకు ప్రతి కుటుంబానికి కోటి రూపాయల నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని, అదే విధంగా రైతాంగ ఉద్యమానికి తలొగ్గి 3 చట్టాలను వెనక్కి తీసుకుంటున్నట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించడం జరిగింది। అబ్ నజర్ డాల్తే హైదరాబాద్ రోడ్డ పర్ सिर्फ 27 दिन की दुल्हन की मुश्तबा मौत, उसकी मौत फांसी से हुई है। लड़की के अपराध खानदान ने ससुराली रिश्तेदारों बिलखुसूस शोहर और देवर पर कत्ल का इल्जाम आयद किया और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। 27 दिन की दुल्हन की मुश्तबा मौत, अफराद-ए- खानदान बिलखसूस मुतवफ़ी की वालदा ने संगीन इल्जाम आयद किया कि इनकी बेटी का कत्ल किया गया है और इसमें इसका शौहर और देवर मुलविस है। शाहीन नामी खातून ने बताया कि इनकी बेटी शाफिया की शादी सिर्फ एक माह कबल ही रहन बाजार के रहने वाले रशीद नामी नौजवान से हुई थी। शादी के मौके पर जहेज के अलावा 10 तोले तलाई जेवरात और भारी रकम दी गई थी, लेकिन मजीद 10 लाख रुपए का मुतालबा करते हुए लड़की को हरासा किया जा रहा था। आज लड़की की सालगिरह थी, जिसकी वजह से इसका भाई उससे मिलने के लिए गया था, लेकिन उसको नीचे बिठाया गया और इंतजार करने को कहा गया, लेकिन काफी देर गुजरने के बाद भी जब बहन मिलने नहीं आई तो भाई ने सवाल किया कि आखिर उसकी बहन उससे मिलने को नीचे क्यों नहीं आ रही है, जिस पर उसके देवर ने बताया कि शाफिया नामी इस लड़की ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली है, जिसके बाद लड़की के अफराद खानदान ने रैन बाजार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस से मुतालबा किया कि कत्ल आमद का मुकदमा दर्ज किया जाए और जहेज के लालची और कातिल अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। लड़की की ने कहा कि इसकी बेटी को फांसी देकर हलाक किया गया है, लिहाजा इनके दामाद को भी फांसी की सजा दी जाए। नाम शाफी, मेरा नाम शाहीन है, मैं बच्ची का नाम शाफिया है, मेरी बेटी है वो शाफिया। हाँ, 30 तारीख के दिन शादी हुई बच्ची की, आज बर्थडे था बच्ची का, तो लगा उसको बच्ची को फांसी देके मार दिया लगा। मेरे को इंसाफ होना, बस मेरी बच्ची का इंसाफ होना, तो अचानक करे बच्ची को फ़ोन नहीं करने देते थे, पैसा लाओ बच्ची को, पैसा लेके आओ, और मैं बच्चे को भेजी मैं तो भी बात नहीं करा रहे हो लगा फ़ोन पे, बच्ची को बात ही नहीं करना, 10 लाख रुपए लेके आओ बोले बच्ची को टॉर्चर कर रहे। हम क्या क्या मुसीबत, बहुत मुसीबत से पूरा दहेज दिए, पूरा सामान दिए, 10 तोले सोना तक दिए उनको, मालूम है सब दिए ना वो लगा गाय रैन बाजार गांधी का पुतला। क्या काम करते हैं आपके दामाद? हार्डवेयर की दुकान है, हार्डवेयर की दुकान है उसकी। अभी क्या चाह रहे आप? उसको फांसी देना, उसको मेरी बच्ची की जान लिया उन्हें, इसकी जान लेना, उसकी जान के बदले में जान देना उन्हें। सवालात से घबराई हुई हुकूमत ने शहीद मसाजिद की संगे बुनियाद के मौके पर एहतजाजी कायदीन को मदून नहीं किया। सैयद मुश्ताक मलिक का बयान, उन्होंने कहा कि हम संगे बुनियाद का खैर मकदम करते हैं,
लेकिन सवाल ये है कि मसाजिद किसने शहीद की और कुरान की किसने बेहुर्मती की। तहरीक मुस्लिम शबान के सदर मुश्ताक मलिक ने सेक्रेटरीट की शहीद मस्जिद की असरनो तामीर के ऐलान और संग बुनियाद का खैर मकदम किया और सवाल उठाया कि इन मस्जिद की तामीर का मुतालबा करते हुए मुसलसल एहतजाज करने वाले मुस्लिम कायदीन और सहाफियों को संग बुनियाद तकरीब में क्यों मदु नहीं किया गया। सैयद मुश्ताक मलिक ने कहा कि मस्जिद की असरनो तामीर का फैसला हुकूमत ने मजबूरी में लिया है, वरना हुकूमत सिर्फ इबादत खाने के एक हाल की तामीर का जहन बना चुकी थी और इसका इजहार भी किया था। लेकिन तहरीक मुस्लिम शब्बान MPJ जमतुल उलमा और उलमा व मशायखीन के शदीद एहतजाज के बाद बौखलाहट का शिकार हुकूमत ने मसाजिद की तामीर का ऐलान किया, लेकिन दबाव बनाने वाले एहतजाजी कायदीन को इस संगे बुनियाद तकरीब से दूर रखा गया। सैयद मुश्ताक मलिक ने कहा कि हुकूमत मुस्लिम कायदीन के सवालात से घबरा रही है, इसीलिए मुस्लिम कायदीन को दूर रखा गया है। उन्होंने कहा कि हम मसाजिद की तामीर का खैर मकदम करते हैं, लेकिन इससे कब सवाल करते हैं कि आखिर मसाजिद को किसने और क्यों शहीद किया और इन शहीद करने वाले कातियों से सवाल क्यों नहीं किया गया। दूसरा सवाल यह है कि मसाजिद की शहादत के मौके पर कुरान मजीद और दिगर मुतबरिक अशिया की बेहुर्मती की गई है, उसके कातियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। उन्होंने हुकूमत से वाबस्ता मुस्लिम कायदीन से कहा कि सबको एक दिन मरना है और खुदा को जवाब देना है, लिहाजा अपने आमाल पर तवज्जो दे। हुआ था, आपने कहा कि इस आपका पहला बयान आया था, ठीक है छोड़ देंगे हम, माफ कर दिए, जान दो भाई बोल दिए, लेकिन आज भी वही अहमखाना बात कर रहे हैं कि मस्जिद को नुकसान क्या हुआ। आमादन समझिए मस्जिद को शहीद किया गया और मस्जिद को जो शहीद किया उसका कौन मुजरिम है वो आज तक अवाम के सामने तेलंगाना के मुसलमानों के सामने नहीं आया। मस्जिद बनी, मस्जिद समझिए के साथ संगे बुनियाद रखा गया, उसका हम खैर मकदम करते, हमारे दिलों को बड़ी ठंडक पहुंची कि अल्लाह की मस्जिदों की वह जमीन पर समझिए कि आज नमाज जोहर अदा की गई, हमारे दिल बहुत मुतमईन है। और ये जो जिद्दोजहद हमने की, आपने ऐसे नहीं बना दिया, आप तो वहां पर सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद को, मस्जिद हाशमी और मस्जिद मोतमदी को शहीद करके आप सिर्फ प्रेयर हॉल बना रहे थे, वहां पर मसाजिद नहीं बना रहे थे। आपका चीफ मिनिस्टर झूठ बोला, फिर उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट झूठ बोला, और फिर उसके बाद होम मिनिस्टर झूठ बोला, उसके बाद समझे वक्फ बोर्ड चेयरमैन झूठ बोला कि मस्जिदों पर कुछ मलबा गिरा और मस्जिदें को समझिए कि नुकसान हुआ है, जबकि दोनों मसाजिद शहीद कर दी गई। और इसकी इत्तला सबसे पहले अखबार सियासत ने और दूसरे अंग्रेजी अखबारात ने सबसे पहले इत्तला दी। चोरों की वारदातों में मुलविस 9 अफराद की गिरफ्तारी, पुलिस ने उनके कब्जे से बयानो सेलफोन 2 आटोस बरामद करते हुए जब्त कर लिए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया। हैदराबाद पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की और 9 अफराद को चोरी की मुतादित वारदातों में मुलाविस होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 92 सेलफोन और 2 ऑटोस को बरामद करते हुए जब्त कर लिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने मीडिया को तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि टास्क फोर्स साउथ जोन और इस जोन के अलावा दिगर कई पुलिस स्टेशनों की टीम ने इस मुहिम में हिस्सा लिया और मुख्तलिफ मुकामात पर चोरी की वारदातों का इर्तिकाब करने वाले 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 92 सेलफोन बरामद करते हुए जब्त कर लिए। ये अफराद ऑटोस के जरिए मुसाफरीन को चिकनी चुपड़ी बातों से फांस लिया करते थे और मौका मिलते ही सेलफोन का सरखा कर लेते थे। बरामद शुदा मसरूख अशिया की मालियत करीब 12 लाख रुपये है। इस मुहिम की क्यादत डिप्टी कमिश्नर टास्क फोर्स जी चक्रवर्ती ने की और इनकी निगरानी में इंस्पेक्टर साउथ जोन टास्क फोर्स रघुवेंद्र, CI साउथ जोन KV सुब्बा राव, CI ईस्ट जोन श्री सिलम और दिगर ने कामयाब तहकीकात की और इन चोरों की गिरफ्तारी अमल में लाई जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले थे। कमिश्नर पुलिस ने इस कामयाब तहकीकात और चोरियों का मुसलसल इर्तकाब करने वाले ग्रोह की गिरफ्तारी टास्क फोर्स और मुतालिका पुलिस स्टेशन के ओहदेदारान व मुलाजमीन को मुबारकबाद दी। हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स के तरफ से साउथ जोन और ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम और सिविल पुलिस कंचनबाग, चंद्रायन गुट्टा, दबीरपुरा, अफजलगंज, ये लोग सब मिलकर 4 सेलफोन थेफ्ट गैंग का डिटेक्शन और गिरफ्तारी हुआ, जिसमें अभी तक
9 क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी हुई है और टोटल 92 सेल फोन्स का रिकवरी हुआ। ये 92 सेल फोन रिकवरी के बाद 2 ऑटो का भी रिकवरी हुआ और टोटल वैल्यू लगभग 92 लाख से लगभग 12 लाख से ज्यादा का है जो रिकवरी हुआ है। इख्तिताम से खबर नजर आते हैं जमीतुल हुफाज की जानिब से महाना राशन पैकेजेस की इजराई। मौलाना अब्दुल कय्यूम शाकिर ने बताया कि गुज़िश्ता 3 सालों से हर माह मुस्तहिक खानदानों की मदद की जा रही है और ये खामोश खिदमत है। टीआरएस कायद नवीद इकबाल, शेख अली साबरी और जावेद खान ने के कविता को दूसरी मर्तबा MLC मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और कहा कि बिला मुकाबला इंतखाब के कविता की शख्सी मकबूलियत का कमाल है। MLC के कविता का दर्शन को जाने के मौके पर मोरतार में वालहाना खैर मकदम। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत से अवाम खुश और मुतमाइन है और रियासत हमा जहद तरक्की के सिमत गामजन है। हैदराबाद में एक और दुल्हन चढ़ी जहेज की भेंट। सिर्फ 27 दिन कबल ही इस लड़की की शादी हुई थी, फांसी से इसकी मौत हुई। लड़की की वालदा ने शौहर और देवर को कातिल बताया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।